मूल मंत्र सिर्फ इतना ही है कि जो भी तैयारी करना चाहता है तो ही शुड प्रिपेयर ओनली फॉर मेन एग्जामिनेशन, नेवर प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, मुझे नहीं लगता वो सेलेक्ट होगा। तो केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेन एग्जामिनेशन में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, जो हम आपको रोज पूछते हैं, वो क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं। हम थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इधर उधर की बता के पूछते हैं, वो प्रीलिम्स के हैं। लेकिन मेन एग्जामिनेशन जैसे हम आपको यहाँ लिखाते हैं, सारा बोर्ड पे लिखाते हैं, फिर आप उसे पारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी थोड़ी सी लंबी होती है, इतनी आसान तैयारी भी नहीं होती है कि कोई स्टूडेंट आए और कुछ महीने में, चंद महीने में उसे कंप्लीट करके चला जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मेन की तैयारी जिसने कर रखी है उसके प्रीलिम्स में हर्डल नहीं आएगा, और प्रीलिम्स के समय में बहुत हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है, उसका वैसे ही क्लियर हो जाएगा, वैसे ही 90% के आसपास उसका स्कोर रहेगा। लेकिन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स ओनली, तो उसकी संभावना ये है कि वो प्री भी पास ना कर पाए। कभी कभी प्री पास कर लेता है तो मेंस में फेल होना ही है, या वो इंटरव्यू से वापस आ जाएगा। लेकिन जिसने मेन की तैयारी कर रखी है तो वो नहीं। मेरा हमेशा से फोकस मेन एग्जामिनेशन पर रहा है, प्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहुत छोटी छोटी, वो रह जाती हैं, पर मेंस तैयार करते करते आप इतने पारंगत हो जाएंगे, इतने ज्यादा पारंगत हो जाएंगे कि उन सब छोटी छोटी चीजों को मेरे सहयोग के बिना भी आप अपने लेवल पर तैयार कर लेंगे, मेरे सहयोग के बिना भी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कुछ टाइटल्स ही याद करने हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें याद करनी है, वो मेरे उसमें सहयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन में मेरी सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेन एग्जामिनेशन पर ही फोकस रखो। सिलेक्शन वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम तैयार करते हैं।